हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे जो हेयर हैं हमेशा सलामत रहें, हमारे सर पे रहें, बट ऐसा नहीं होता। क्यों? कुछ गलतियां जो आप कर रहे हो आज की वीडियो में आप बताऊंगा। अगर यह गलतियां आप कर रहे हो तो उसको स्टॉप कर दो, वरना आप गंजे होने वाले हो 100%। अगर आपको गंजा नहीं होना तो जो गलतियां हैं जो अभी मैं बताऊंगा, सारी गलतियां 10 गलतियां बताऊंगा, 10 गलतियों को अगर आपने सुधार लिया तो आपके हेयर कहीं नहीं जाने वाले। तो आपको क्या करना है, पूरी गलतियों को देखना है और उसको सुधारना है। हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो इस ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ और बताते हैं क्या है वो गलतियां। उससे पहले अगर आप अपने भाई को इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टा की लिंक तो वहां पर डिस्क्रिप्शन में डाल देगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गलतियों की बात करें तो सबसे पहली जो गलती है, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आती है, लोग पूछते हुए भाई लोग पूछते हैं कि क्या स्मोकिंग करने से हेयर फॉल होता है कि नहीं, तो आपको मैं बता दूं पहली गलती यही है आपकी, स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो अभी के अभी स्टॉप कर दो। मैं ये नहीं बोलूंगा आप एक दिन में स्टॉप कर दोगे, बट जो आप दिन की 4 पी रहे हो दिन की 1 कर दो, फिर धीरे धीरे हफ्ते में 1-2 कर दो, फिर ऐसे ऐसे करके आप छोड़ दो। या माइंड सेट आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो बिल्कुल छोड़ दो। अगर आप सिगरेट पी रहे हो तो हाँ, इससे आपको हेयर फॉल ही नहीं बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है फ्यूचर में, कुछ सालों में जो आप देखोगे। तो सबसे अच्छा क्या है, स्मोकिंग आप बिल्कुल छोड़ दो। ये हुई पहली गलती जो कि मैंने एकदम सिंपल तरीके से आपको समझा दिया। इसमें मैं कुछ और तेल मसाला नहीं लगा सकता, बस हाँ यही बोलूंगा, स्मोकिंग कोई भी हो सब जानलेवा होती है और हानिकारक होती है, और आपकी हेयर स्किन सारी चीजों के लिए उसका बहुत बैड रिजल्ट मिलता है, तो इसको स्टॉप कर दो। अब सेकंड गलती जो आप कर रहे हो वो है फास्ट फूड। हाँ मेरे भाई, कभी कदार खा रहे हो कोई बात नहीं, कभी कदार खा सकते हो, बट अगर आप जा रहे हो डेली बेस पे कुछ खा रहे हो बाहर, कुछ भी तली हुई चीजें, फास्ट फूड का मतलब क्या होता है, बाहर की कुछ भी चीजें आप खा रहे हो जो तली हैं, भुनी हैं, पिज्जा बर्गर चाउमीन कुछ भी जितनी भी बाहर मिलती हैं, मैं कहता हूँ सारी चीजें आप अगर डेली खा रहे हो तो आप अंदर अपने कूड़ा भर रहे हो। सिंपल सी बात, ये चीज आपको अपने आप सोचनी पड़ेगी। अगर आप अच्छी अच्छी सब्जियां खाओगे, अच्छी अच्छी चीजें खाओगे और घर की चीजें खाओगे तो उसका जो रिजल्ट है वो 1 नंबर का मिलने वाला है। तो अपने बालों को सलामत रखना चाहते हो तो जंक फूड को अवॉइड करो और डाइट में सब चीजें अच्छी अच्छी चीजें अपने ऐड कर लो। अब बात करेंगे तीसरी गलती, हेयर की केयर ना करना। हाँ मेरे भाई, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो हमारे हेयर हैं बस इनको ऐसे छोड़ दो, अपना उगते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं, 15 दिन में एक बार ऑयलिंग करेंगे, 20 दिन में शैम्पू करेंगे। नहीं, आपको वीक में 2 टाइम तो ऑयलिंग करनी ही करनी है। 2 टाइम नहीं कर रहे हो तो 1 बार तो जरूर करो, और शैम्पू भी अगर 1 बार यूज कर रहे हो ऑयल तो 1 बार, 2 बार यूज कर रहे हो ऑयल तो 2 बार शैम्पू आपको यूज करना ही करना है। इससे क्या होगा, आपकी स्काल्प हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपकी हेयर की क्वालिटी भी अच्छी होगी। बहुत सारे भाई लोग शैम्पू के ऊपर कंफ्यूज रहते हैं। ऑयल तो मैं ऑलरेडी बताता हूँ, मस्टर्ड ऑयल लगा लो ठंड में, और गर्मियों में आप कोकोनट ऑयल, बट शैम्पू को लेकर बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि ध्रुव भाई कौन सा शैम्पू यूज करें। तो अगर आपको शैम्पू के ऊपर, माइल्ड शैम्पू के ऊपर वीडियो चाहिए, या आपको नेचुरल, बिल्कुल 100% नेचुरल शैम्पू जो मैं बना के दिखाऊं उस पे वीडियो चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक है तो भाई 2000 रख रहा है, अभी कर देना, वो वीडियो 100% आ जाएगी, और कमेंट में लिख देना हाँ भाई शैम्पू के ऊपर वीडियो चाहिए। अब बात करेंगे चौथी मिस्टेक, डैंड्रफ को हल्के में लेना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डैंड्रफ उनको हुआ है तो बोलते हैं अरे है चला जाएगा, ठंड में आता है फिर चला जाएगा। नहीं मेरे भाई, डैंड्रफ को हल्के में अगर आपने लिया तो सबसे पहले डैंड्रफ क्या करेगा, आपकी स्काल्प हेल्थ को खराब करेगा, फिर हेयर की क्वालिटी को खराब करेगा, हेयर को थिन करेगा और गंदे लेवल का हेयर फॉल कर देगा। तो आपको डैंड्रफ को हल्के में नहीं लेना है, आपको डैंड्रफ को हटाना है। डैंड्रफ को कैसे हटाना है, एंटी डैंड्रफ वाले शैम्पू यूज करके, और मैंने रेमेडीज बताई उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो पूरी देख लेना, फिर जाके अच्छे से वो वीडियो देखना और जो बताया वो लगाना, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, आपका जो डैंड्रफ है वो रिमूव होगा। अब जो पांचवी मिस्टेक है, इससे आप रिलेट करोगे, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है ना मेरे भाई, आप बहुत ज्यादा बड़े हेयर रख रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, आप जान रहे हो, खुद जान रहे हो कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है, तो इसको हल्के में मत लो। जाहिर सी बात है आप बॉयज हो तभी हेयर कट ले सकते हो, गर्ल्स हो तो आप नीचे से थोड़ा सा कट करवा सकते हो हेयर। और मैं लड़कों को बता रहा हूं, अगर आपके हेयर फॉल हो रहे तो आपको अपने हेयर जो है उसको एकदम छोटे छोटे, मैं तो कहता हूं 1 नंबर करा दो, वरना नहीं बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो तो हेड शेप करा लो, सबसे बढ़िया तरीका। मेरा जब हेयर फॉल हो रहा था तो मैंने
हेड सेप कराया था जिससे मुझे बहुत अच्छा कुछ भी लगाने को रेमेडीज़ हो या ऑयल हो बहुत अच्छा लगता था और लगा भी लेता था, ज़्यादा कुछ झंझट नहीं था। अगर आपका बहुत हेयर फॉल हो रहा है तो ये गलती अगर कर रहे हो, बड़े बाल रख रहे हो तो मत रखो, हेयर छोटे करा दो या हेड सेप करा लो, टकले हो जाओ। अब बात करेंगे जो छठवीं गलती है, जो खासकर ठंड में अभी आप लोग जरूर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गर्म पानी का यूज करना अपने हेयर पे, बहुत ज़्यादा अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपकी हेयर की जो नेचुरल ऑयल है वो खत्म हो गई, हेयर ड्राई होंगे, झाड़ू जैसे होंगे और इन होके हेयर फॉल गंदे लेवल का होने लगेगा। फिर आप यूट्यूब पे आओगे, सर्च करोगे कि अपने सूखे रूखे बालों को कैसे सही करें, कुछ नहीं मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी से अपने हेयर वॉश करना बंद कर दो, आपके हेयर बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और अपने भाई को सब्सक्राइब, अगर आप अभी देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और नए हो तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका भाई जो भी बताता है एकदम आपको वर्क करने वाला 100% नेचुरल, सबसे इम्पोर्टेंट 100% नेचुरल बताता है मेरे भाई, तो आप हमारी YouTube फैमिली में ज्वाइन हो सकते हो सब्सक्राइब करके। बात करेंगे सातवीं गलती, जैसे आपके शरीर के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, वैसे आपके हेयर को हेल्दी रखने के लिए अंदर से, तो आप मैं बार बार बोलता हूँ अंदर से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहले अंदर से काम करो, डाइट पे काम करो, फिर बाहर से काम करो। मैं बात कर रहा हूँ आपको 10 दिन में एक बार हेयर मास्क लगाना है अपनी हेयर में, जिससे आपके हेयर तो अच्छे होंगे होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी जो खेत है, खेत में क्या होता है, जो पेड़ लगे थे पहले खेत की मरम्मत होती, तो आपका खेत क्या स्काल्प है, आपका स्काल्प हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छा होगा, तो आपको एक हेयर मास्क अच्छा सा 10 दिन में आप यूज कर सकते हो। कौन सा हेयर मास्क आपको यूज करना है, कौन सा मैं यूज करता हूं, मैंने खुद बताया है बना के लगा के, तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ये वीडियो देख लेना, फिर वो वीडियो देखना जो मास्क बताया को आप फॉलो कर सकते हो। अब बात करेंगे आठवीं गलती, जो कि सबसे बड़ी गलती है। क्यों सबसे बड़ी गलती है? स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो मैं कुछ भी बता दूं या कोई कुछ भी बता दे, कितना भी बता दे, आप कितना भी कुछ खा लो या हेयर के लिए कुछ भी कर लो, आपके हेयर नहीं रुकने वाले, उल्टा और चले जाएंगे। तो आपको स्ट्रेस किसी भी चीज का, आप कुछ भी ले रहे हो तो मत लो, अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आपकी हेल्थ पे जो असर है पड़ेगा उससे ज्यादा आपकी हेयर पे पड़ेगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आपको मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए, 5 मिनट से स्टार्ट करो, 10-15-20 मिनट तक जा सकते हो, डेली मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। बात करते हैं गलती क्या है, मास्टरबेशन। अगर बहुत ज्यादा आप इसको कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, एयर की क्वालिटी तो खराब होगी होगी, स्ट्रेस जो आपको आने वाला है वो सब आएगा, तो आप प्लीज वो फैब का पालन करो और 30 डेज तक आपने नो फैब कर लिया तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, मुझे इतना एक्सप्लेन करने की यहाँ खड़े होकर जरूरत नहीं है, खुद आप समझ जाओगे और कमेंट में आके खुद बताओगे कि क्या क्या फर्क दिखा है। बात करेंगे दसवीं गलती, जो कि आज की लास्ट गलती है, वो है हेयर की एक्सरसाइज। हाँ मेरे भाई, आप सभी के माइंड में होगा कि ध्रुव भाई हेयर की कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बोलते समझ में आता बट हेयर की एक्सरसाइज, हाँ मेरे भाई हेयर की एक्सरसाइज ना करना। अब हेयर की एक्सरसाइज कौन कौन सी है अभी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बट अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए कि हेयर के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज है करें जिससे हमारा हेयर ग्रोथ हो, हेयर रिग्रोथ हो और हेयर फॉल स्टॉप हो और वो 100% वर्किंग हो और वह 30 दिन में काम कर दे आपके हेयर पे, तो इस पे अगर वीडियो चाहते हो तो ज्यादा कुछ नहीं करना, जैसे मैंने बोला लाइक एम सिर्फ और सिर्फ 2000 रखना, दोनों वीडियो आ जाएगी, शैम्पू की भी आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी, तो अभी लाइक कर देना और मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ही तगड़े वीडियो आने वाली है आगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक्सरसाइज की बात करें तो हेड स्टैंड है, आप हेड स्टैंड कर सकते हो, बालायाम कर सकते हो और सर्वांगासन करते हो, ये सब चीजें आप करो, आपकी जो हेयर की क्वालिटी अच्छी हुई, ये गलतियां जो मैंने बताई सब बिल्कुल सही कर लो, आपकी हेयर आपके बचे रहेंगे आपके सर पे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।